हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शरद वंजू और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एचपी इंक टैंक प्रिंटर्स जो आते हैं उनमें आप बेस्ट स्टूडियो फोटो क्वालिटी कैसे पा सकते हो। दोस्तों, उसके लिए एक सिंपल सा सेटिंग रहता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एचपी इंक टैंक प्रिंटर। एचपी इंक टैंक प्रिंटर्स में आपको मॉडल्स मिलते हैं 310, 315, 316, 319, वाईफाई में 410, 415, 419 ये मॉडल्स आते हैं। ये सभी मॉडल के फंक्शन जो रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं और लुक जो रहता है वो भी एक जैसे रहता है। दोस्तों, इस प्रिंटर के अंदर आपको दो मोड दिए जाते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट मोड और एक होता है फोटो मोड। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जो ये जो कीज देख रहे हो इसके अंदर ये वाला जो रेड सॉरी ये जो कलर वाला बटन है और ब्लैक एंड व्हाइट वाला बटन है, आपको उसको प्रेस करके रखना है और डिस्प्ले पे देखना है। आप ये दोनों बटन आप एक साथ प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये छोटा जीरो दिख रहा है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मतलब ये डॉक्यूमेंट मोड पे है। और अगर आपको फोटो निकालने वो टाइम पे आप इसी दो बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये ऊपर के साइड पे जीरो हो जाएगा, मतलब आपका ये फोटो मोड पे चला जाता है। और वही आपको अगर अच्छा स्पीड चाहिए, डॉक्यूमेंट में अच्छे स्पीड चाहिए, तो आपको क्या करना है, फोटो मोड से निकाल के उसको डॉक्यूमेंट मोड पे मूव करना है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा स्पीड मिलेगा डॉक्यूमेंट में और फोटो मोड पे जाओगे तो बेस्ट स्टूडियो क्वालिटी फोटो प्रिंटआउट मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।